पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो ताली बजा के बताना कि समझे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की थी। और पराजय गांधी जी के बंदर के यश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे। घोटालों पर घोटालों के अनबन फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौन दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम। दूसरा क्षण सुना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। कुछ साधु सन्यासी ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं। और अखिलेश जी कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ कैसे बोलूं। अखिलेश जी मुझसे सीखो कैसे बोला जाता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा सुबह नहीं। वो जक्के में रहे थे, आप समझ रहे हो, आपको जक्के कविता सुना रहे थे। सुनना सर, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो ही समर्थन करो। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं। ये मोदी सिंहासन के हम दर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जेपी के आंदोलन की कोख से 2 चीजें पैदा हुई थी, जनता पार्टी और हरिओम पवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पवार सुरेश शर्मा जी के सिंगरौली का सम्मेलन कब तक आता। फिर राजनीति में मुझे आती नहीं है तो मैं राजनीति में गया नहीं। मेरी नौकरी लग गई, मैं पढ़ाने लगा। उसके बाद मैंने एक पापा के साथ काम किया, साधु के साथ काम किया, जो इस देश में भूखे आदमी को प्राणायाम से योग सिखाने के। अब तो उसको लोग कहते हैं वो तो साहब लाला जी हो गए, व्यापारी हो गए, साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं। साहब माफ करना, मैं उनके व्यापार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके साथ जुड़ा हूं, पिछले 12 साल से मैं उनके साथ हूं। अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने अच्छा साबुन बनाया होता तो विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बिकने क्यों आया। हम अच्छी टूथपेस्ट नहीं बना सके, केवल स्वदेशी को स्वदेशी का नारा दिया। अगर एक सन्यासी ने प्रैक्टिकल कर दिया तो व्यापारियों के पेट में दर्द होने लगे। मैं तो दुआ करता हूं विभाग प्रचार संघ जी, प्रमुख जी, इस देश में 50 पतंजलि संस्थान हो जाए, 50। एक भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं बचेगी, मैं ये दावा कर सकता हूँ। किसी भी सारी कंपनी हिंदुस्तान से चली जाए। आप उनके समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, मैं जितना जहां तक समर्थक हूं। बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिसके अंदर संघर्षों का एक विरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कठिनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। मेरे छोटे भाई मानते हैं कि हिंदुस्तान में कब सम्मेलनों में तालियों का ऊंचा पहाड़ खड़ा करने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की, उनमें एक छोटा सा नाम मेरा भी है। मैं बूढ़ा आज भी नहीं हुआ सुमित। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ और फिर तालियों का एक बार पहाड़ का एहसास करना चाहता हूँ। ये मेरी ईगो समझ लो, मैं एक बार तालियों के बस की हुई तालियां को पहाड़ कितना ऊंचा हो सकता है, इस कोलांचल में मैं देख के जाना चाहता हूं। जीवन भर याद रखूंगा कि मैंने फिर एक बार तालियों का पहाड़ खड़ा किया था। बहुत सहज सी 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं। आपको लगे कि ये पंक्तियां तालियों का पहाड़ मांगती हैं तो मैं मंच का भी मन मांगता हूं, आप सबका मन मांगता हूं। एक बार मुझे एहसास देना कि आपने मन से सुन लिया। जिसने कथनी करनी का भेद मिटा कर दिखा दिया। कथनी करनी का जिसने भेद मिटा कर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठा कर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिला कर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिला कर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले।
पेट हिलाने वाली ने सरकार हिला कर दिखा दिया। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, कविता की सबसे अच्छी पंक्ति है विधायक जी आपको समर्पित करता हूं, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य सिखा खुलती है नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। अंतिम छंद सुनना साहब, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। चौथे किनारे, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारामा की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश। देखो जी करते तो ऐसा ही है, 65 सालों में हिंदुस्तान में नेताओं ने नोट बांटे हो, मरती संवेदनाओं को रोक ले, भारत की संस्कार संस्कृति की मूल आत्मा संवेदनाएं। एक मेरे व्हाट्सएप पे कहानी आई रात को, किसने भेजी मैं जानता नहीं, उसका नंबर नहीं मेरे फोन में, नाम नहीं है उसका, लेकिन मैं उस कहानी को पढ़कर रात भर नहीं सोया। आपको कभी सोने से पहले ये कहानी याद आ जाए और फिर आपको नींद आ जाए तो मुझे गालियां देना। 8 सेकंड की बात है, एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी कार में एक साड़ी की दुकान पर आई और कार का कांच खोलकर दुकानदार, सस्ती सी साड़ी दिखाओ, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है, ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहनकर टूटी हुई रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखाओ, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। संवेदनाएं किसकी बची किसकी मरी, ये सांस्कृतिक संकट है, सांस्कृतिक प्रदूषण। इधर की लाइट नहीं जल सकती क्या? भारत सरकार ये 12 मांग पूरी कर दे, मैं जीवन भर सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, हिमालय चला जाऊंगा। एक एक पंक्ति में एक एक मांग उठाता हूं, आप बताइए क्या ये पूरी नहीं होनी चाहिए? सुनना, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देख। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। आदरणीय मोदी जी जापान का प्रधानमंत्री लेके आए, इजराइल का प्रधानमंत्री लेके आए, चीन का राष्ट्रपति लेके आए, तीनों को अहमदाबाद ले गए, तीनों के साथ अहमदाबाद में रोड शो। मोदी जी ये देश आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है। संघ के बड़े लोग बैठे हैं, उनके समक्ष उनके चरणों में पढ़ रहा हूं, अगर आपको लगे ये भावना ये देश स्वीकारता है देश चाहता है तो और आकाश भर तालियां उठाना। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीर, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। खेलों को नेताओं से, इसको कंट्रोल में या तो एक जगह सेट करो इसको, हो सकता है जनरेटर से डिस्टर्ब हो रहा हो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो इसका। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीवन स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। महंगे बदल लिए फिरते हैं ख्वाही से लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे। 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो।
लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का। अंतिम पंक्तियां सुना और आखिरी एक पंक्ति में तो साफ थोड़ा सा पक्षपात मुझसे भी हो गया। भारत में थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना, थोड़ा सा हो गया है मुझसे।